हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर हेरिटेज का एक पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें से कुछ प्रश्न हम लोग परीक्षा में आ सकते हैं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड दोस्तों AG 1009। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, प्रीडेटर किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों, प्रीडेटर किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है? कीट नियंत्रण के लिए। प्रीडेटर कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला देखते हैं, मार्थेंडम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, 1921 ईस्वी में मार्थेंडम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें से कुछ प्रश्न हम लोगों के परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, चौथा प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक सॉरी दोस्तों संबंध किससे? दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? दोस्तों, 1983 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना की शुरुआत 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न, फिरका विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, फिरका विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। दोस्तों, फिरका विकास योजना का शुभारंभ 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र है कितना हेक्टेयर है? दोस्तों, भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो 57 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, 57 मिलियन हेक्टेयर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब शुरू हुआ था? सन 1939 ईस्वी में। भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब शुरू हुआ था? सन 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक गन्ना सॉरी दोस्तों सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य है? तो दोस्तों, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश दोस्तों सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को दोस्तों विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, IVRI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, IVRI का पूरा नाम क्या है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मैंने जो एक क्वेश्चन करा भी दिया है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं, और IVRI का पूरा नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले प्रश्न भी चलते हैं दोस्तों, विश्व कृषि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व कृषि दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 20 मार्च को दोस्तों विश्व कृषि दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अमेरिकन कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों, गो हिर्सुटम। गो हिर्सुटम मतलब दोस्तों गोसिपियम हिर्सुटम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और दोस्तों भारतीय कपास का नाम है गोसिपियम अर्बोरम, अर्बोरियम दोस्तों वही। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसान कॉल सेंटर कब शुरू हुआ था? दोस्तों, किसान कॉल सेंटर 2004 ईस्वी में शुरू हुआ था। 2004 में ऑप्शन नंबर एक से जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ICAR दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। दोस्तों, ICAR दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। अगला, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां,
भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? सन 1960 ईस्वी में। और दोस्तों उस विद्यालय का क्या नाम है? GBPUAT, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। अगले प्रश्न चलते हैं। ट्रिटिकल क्रॉस है तो दोस्तों ट्रिटिकल क्रॉस किसका है? गेहूं और राई का। गेहूं और राय का दोस्तों ट्रिटिकल क्रॉस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग पूरा देखिएगा। गन्ने का घातक रोग है तो दोस्तों गन्ने का घातक रोग कौन सा है? तो दोस्तों गन्ने में दोस्तों जो लाल सड़न लग जाती है वो गन्ने का घातक रोग है। टिक्का दोस्तों मूंगफली का घातक रोग है। अगला प्रश्न 21वां। नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो दोस्तों 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसको मैंने करा भी दिया है। नाबार्ड की स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, नाइफेड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1958 ईस्वी में नाइफेड की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 23वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, मतलब दोस्तों एजुकेशन शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न, कृषि का प्राचीनतम तरीका था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया स्थानांतरित, ऑप्शन नंबर बी दिया सघन, ऑप्शन नंबर सी दिया मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी दिया व्यापक। दोस्तों ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा स्थानांतरित खेती, दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कृषि का प्राचीनतम तरीका क्या था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब दोस्तों स्थानांतरित खेती। अगला प्रश्न देखते हैं। आयरिश अकाल की घटना का कारण था, तो आयरिश अकाल की घटना क्या कारण था? आलू का पछेती झुलसा। आलू का पछेती झुलसा दोस्तों आयरिश अकाल का कारण था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य द्वारा खेती की जाने वाली प्रथम फसल है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ दोस्तों मनुष्य द्वारा की जाने वाली पहली फसल है। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, सॉरी दोस्तों लैटिन भाषा से हुई है। हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न, ICAR स्थापित हुआ, ICAR किस वर्ष स्थापित हुआ? दोस्तों 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। और इसके प्रथम डीजी कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। अगला प्रश्न, भारतीय धान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सन 1960 ईस्वी में भारतीय धान अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश दोस्तों 1960 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में, जिसको मैंने करा भी दिया दोस्तों। अगला प्रश्न, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? FL ब्रायने के द्वारा। FL ब्रायने के द्वारा दोस्तों गुड़गांव परियोजना FL ब्रायने के द्वारा शुरू की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना शुरू की गई थी, तो दोस्तों कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना कब शुरू की गई थी? तो 2005-06 में दोस्तों, 2005 और 06 में। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2005 से 2006 में दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसान खाद के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू रोग किससे फैलता है?
दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू रोग किससे फैलता है? कवक से, फंगी से। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। दोस्तों इन्वर्टर चल रहा था इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, अब बंद हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनाजों के राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अनाजों के राजा के रूप में गेहूं को जाना जाता है। गेहूं को अनाजों के राजा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, समाज शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों समाज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई। दोस्तों समाज शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न चलते हैं। NBPGR स्थित है? दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों को एग्रोनॉमी के पेपर में भी। तो दोस्तों नई दिल्ली में है NBPGR, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न भी चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय सब्जी है? तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है दोस्तों? कद्दू। कद्दू दोस्तों पंपकिन भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई? 1970 ईस्वी में। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, दोस्तों इस ऑप्शन में। अगले प्रश्न में चलते हैं। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है? तो दोस्तों कपास उत्पादन के सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा। और दोस्तों मेरा उम्मीद है कि सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। CRI चरण किस फसल में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है? दोस्तों CRI चरण किस चरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण? तो दोस्तों गेहूं के लिए। गेहूं के लिए दोस्तों CRI चरण सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। खेती की SRI विधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों धान से। खेती की SRI दोस्तों धान से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न, चावल की गुणसूत्र संख्या है? तो दोस्तों चावल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों चावल में। अगला प्रश्न, भारत को किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों भारत में किसके उत्पादन पर प्रथम स्थान प्राप्त है? आम के उत्पादन में भी है दोस्तों, पशु उत्पादन में भी है, केला उत्पादन में भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों एथिलीन है। फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इसको अंग्रेजी में देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, दोस्तों इसका शॉर्ट में नेम है NAARM। दोस्तों यन से हो गया नेशनल, ए से हो गया एकेडमी, एस फिर हो गया ऑफ एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च एंड मैनेजमेंट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है NAARM का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग बता दीजिएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वर्ल्ड फूड प्राइज कौन देता है? दोस्तों वर्ल्ड फूड प्राइज कौन देता है? FAO दोस्तों वर्ल्ड फूड प्राइज देता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर? दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों इस समय वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। अगला प्रश्न देखते हैं। आई सी ए आर के वर्तमान में महानिदेशक कौन है?
तो दोस्तों डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र दोस्तों। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा। आईसीआर के वर्तमान में महानिदेशक है दोस्तों डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र और प्रथम महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल। इसका गठन सन 1929 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? कमल है, तो सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न, जीया मेज वनस्पति का नाम है तो दोस्तों ये भी लगभग सबको पता होगा, मक्का का। जीया मेज किसका वनस्पति नाम है दोस्तों? मक्का का। अगले प्रश्न में चलते हैं। आईपीएम का पूरा नाम, आईपीएम का पूरा नाम क्या दोस्तों? इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों। आईपीएम का पूरा नाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये थे कुल आपके एग्रीकल्चर हेरिटेज के 60 प्रश्न जिसको मैंने हल करा दिए हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है और सबसे पहले आंसर की दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।